इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2020 के लिए कि क्या डेट हम उम्मीद कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर के। काफ़ी मैसेज आप इसको लेकर कर रहे हो मुझे कई दिनों से, और देखिए कुछ प्रॉब्लम में था मैं पिछले 10 दिनों से, इसी वजह से आपको रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे। मेरी जो सिस्टर थी उसका एक ऑपरेशन था स्लिप डिस्क का, तो इस वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान था इसको लेकर के, और आपके मैसेज थे मैं देखता था लेकिन कर नहीं पाया रिप्लाई। और जब से सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आया, देखो हर कोई सिर्फ 22 की बात कर रहा है कि 20,000 75,000 वैकेंसी आ गई, और पीछे एक बहुत बड़ी जनता जो 20 वाली 21 वाली रह रही है उनके बारे में कोई कहीं भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं वो चीज़ फील कर पा रहा था आपको लेकर के कि आप परेशान हो इसको लेकर के, आप कटना चाह रहे हो बहुत सारे लोग। अब वैकेंसी भले 20,000 है वो, लेकिन वो मतलब कि जिसके लिए है वो जान रहा है इसको, तो बाकी जो सिलेक्टेड होने वाले हो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पीस। देखो इसमें हम कुछ बात करेंगे वीडियो के रिगार्डिंग कि कुछ रिजल्ट्स जो पहले आए हुए हैं उनके टाइम ड्यूरेशन को लेकर के, साथ में देखो बहुत सारे आरटीआई फाइल करे गए, तो मैंने बहुत सारे करे फाइल कुछ चीज़ें जानने के लिए, और हर बार जो रिप्लाई रहा है कुछ एक ही टाइप का रहा है आपका, उस पर भी मैंने बात करी और क्या कुछ आउटपुट आया मैं उस पर आपको शेयर करूँगा। और मैंने बीच में एक मैसेज डाला था कैलेंडर को लेकर के, उस पर भी मैं बात करूँगा, राइट। तो सब कुछ इसमें स्टार्टिंग से एंड तक है, पूरी कोशिश करिएगा कि यार स्टार्टिंग तक से एंड तक देखिएगा, हो सकता है कोई चीज़ मिस कर दो तो आपको परेशानी हो। देखो उससे पहले मैं आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल देखो यार, मेरे पास टाइम तो था ही उसके लेकर के, लेकिन जो बीच में जो चीज़ें आई हैं उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं चैनल को लेकर, मतलब चैनल पर सब्सक्राइबर को लेकर के। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज़ कि आप इसको लोगों तक शेयर करिए, और आप कमेंट लिखिए तो कम से कम जो लोग जेन्युइन हो, जो लोग सिलेक्टेड होने वाले हो, आप लोग तो सब्सक्राइब करके ही देखिए। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाऊँ वो आप तक लेके आऊँ। कुछ पीछे के रिजल्ट्स हम देखते हैं, पहले सीजीएल 2018 का देखते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो शेड्यूल किया गया था सीजीएल 18 में, तो उस समय आपका 27 जनवरी 2021 से लेकर के 20 फरवरी 2021 तक, राइट, इतने दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था आपका, और फाइनल रिज़ल्ट 1 अप्रैल 2021 को डिक्लेयर किया गया था। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होने के लगभग 1 महीने 10 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आ गया था फाइनल। उस टाइम पे क्या था, एसएससी आपका फाइनल रिज़ल्ट कब आना है किसका कैलेंडर निकाल दिया था, रिज़ल्ट कैलेंडर का आता था। हम देख रहे हैं कि जो 20 फरवरी का महीना था 22 वाला, तब से एसएससी ने कोई कैलेंडर अपडेट नहीं किया अभी लेटेस्ट में, लेकिन उस कैलेंडर आपका अपडेट आ गया था, लोग काफ़ी टाइम पहले से इसका वेट कर रहे थे। 10+2 18 CHSL 18 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 5 जुलाई 2021 से 14 जुलाई 2021 तक शेड्यूल किया गया था, ठीक है। फाइनल रिज़ल्ट जो आया वो 30/9/2021 को आया। आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा दिखेगा कि 2 महीना 15 दिन लग गया, जहाँ वहाँ पर 1 महीने 10 दिन में आ गया, यहाँ लगभग 2.5 महीने का टाइम लिया था। कैंडिडेट काफ़ी नाराज़ थे इसको लेकर के 10+2, क्योंकि मैं सीजीएल 18 से चीज़ें कवर करते आ रहा हूँ, तो मैं तब से जुड़ा था लोगों से, तो काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज थे सीएचएसएल 18 में भी कि सर ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन बीच में देखो क्या था कि सीजीएल 19 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शेड्यूल हो गया था इसी बीच में, कुछ वो एक रीज़न हो सकते थे आपके। बाकी अगर हम बात करें तो 2 महीने 15 दिन में रिज़ल्ट आ गया था, और इसका भी डिक्लेयर आपका कैलेंडर आ गया था कि आपका इस डेट को आएगा, ताकि कैंडिडेट मतलब एक रिलैक्स मोड में रहे, राइट। बात करते हैं CHSL 19 का, तो 10+2 19 का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल किया गया था वो 10 मार्च 2022 से लेकर के 21 मार्च 2022 तक शेड्यूल किया गया था। फाइनल रिज़ल्ट आपका 10 मई 2022 को आ गया था, 1 महीने 10 दिन यानी 1.5 महीने मान के चलो आप, फाइनल रिज़ल्ट आ गया था आपका, और कैलेंडर अपडेट नहीं किया था एसएससी ने, और 20 फरवरी के बाद कोई भी कैलेंडर में चेंजेस देखने को नहीं मिला है अभी हाल फिलहाल में। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर आपका सिर्फ ये बताया गया था कि स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट इस दिन आना है, फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा नहीं पता था आपका, लेकिन आप देखो कि 1.5 महीने के अंदर इसका भी रिज़ल्ट आ गया। बात कर लेते हैं हम लोग CGL 19 की। देखिए CGL 19 में कोर्ट केस चल रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CHSL 19 के साथ ही हो गया था, लेकिन कभी कोर्ट का डेट अब लग जाए वो लग जाए, इस वजह से थोड़ा इसका डेट प्रेडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल सा है। और जिस दिन आपका फाइनल कोर्ट ने आपका क्लियर हटाया,
तो रिजल्ट तैयार रहता है, रेडी रहता है एसएससी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पहले हम थोड़ा आरटीआई की रिगार्डिंग बात करते हैं। आपने भी फाइल किया होगा, मैंने भी फाइल करी है कई सारी आरटीआई। क्या बोल रहे हैं और क्या स्टेटस है आरटीआई की रिगार्डिंग और कैलेंडर की रिगार्डिंग? जब भी आरटीआई फाइल करो, कुछ भी सवाल चेंज करके कि आप ये बताइए वो बताइए, सिर्फ एक ही रिप्लाई रहता है कि सीबीआईयू हैज़ नो इन्फॉर्मेशन। बिकॉज होता क्या है कि जब हम आरटीआई फाइल करते हैं तो वो जो रिजल्ट इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन है या फिर जो रिक्रूटमेंट सेक्शन एसएससी का वहाँ भेजता है आपका, वहाँ से एक ही रिप्लाई आता है कि आप एसएससी की साइट को देखते रहिए, फिर वो वही रिप्लाई बना करके भेज देते हैं। तो देखो यार, ये 4-5 महीने फाइल करा, फिर मेरे को भी सेम ऐसा ही रिप्लाई आया, तो मैंने क्या किया कि कॉल पे बात करने की कोशिश करी सीपीआईयू से। फिर मैंने उसके लिए भी फर्स्ट अपील किया, सेकंड अपील किया, तो चीज़ें नहीं मिल पाई, तो मैंने सीधा बात किया, कॉल पे बात किया उसके रिगार्डिंग कि सर क्या स्टेटस है, क्यों नहीं इसका, ये एटलीस्ट डेट तो बता सकते हैं। देखो वहाँ से जो चीज़ें मिल पाई मैं आपको शेयर करता हूँ। पहली चीज़ ये कि एसएससी की पूरी टीम लगी हुई है, जो पीछे के रिज़ल्ट रुके हुए हैं उनको निपटाने के अंदर। ये जो बात हुई मेरी, हायर अथॉरिटी ही समझिए आप, क्योंकि जो सीपीआईयू होता है वो अच्छी रैंक को दिया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि पूरी कोशिश में कि जो एसएससी के पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो निपटाए जाए। दूसरा ये कि जो अभी ये 22 वाला यानी कि जो मिशन मोड वाला चल रहा है, तो इसको आगे एसएससी देख रही है कि इसमें वर्कलोड ज़्यादा है, तो एसएससी टॉप प्रायोरिटी पर पेंडिंग रिजल्ट्स को रखी हुई है। फिर मैंने उनसे ये कहा कि सर ये सब ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमें एक डेट बता दिया जाता, ये कैलेंडर वाला जो सिस्टम जो रोक दिया गया है उसको कम से कम। तो कैलेंडर के लिए उन्होंने ही कहा था कि हो सकता है कि बहुत सारे आरटीआई जा रहे हैं, हम लोगों ने भी मतलब हमारी तरफ से भी रिकमेंडेशन रहता है एसएससी को कि आप एटलीस्ट कैलेंडर रिलीज़ कर दीजिए। तो उन्होंने तभी उस समय कहा था कि हो सकता है कि एसएससी रिलीज़ कर दे एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर, तभी मैंने आपको मैसेज डाला था। दूसरा उन्होंने यही कहा था कि सीक्वेंस वाइज रिजल्ट एसएससी डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश कर रही है। और ये जो कहा था कि जो ये नया, उन्होंने साफ ये चीज़ कही थी कि जो नया वैकेंसी आ रहा है आपका आगे के लिए, इस पर वर्कलोड ज़्यादा है, डिपार्टमेंट ऊपर से मिनिस्ट्री का काफ़ी लोड है कि पीछे के रिजल्ट्स आप क्लियर करिए, डिपार्टमेंट को जल्दी जल्दी ये रिक्रूटमेंट भर्ती करेंगे, तो फ्रेश जो आगे वाला है 22 वाला यानी जो यही चल रहा है अभी जिसमें 20,000 वैकेंसी आप देख रहे हो, उस पर एसएससी लगे, तो एसएससी भी पूरा इस पर है आपका लगी हुई है। कैलेंडर क्यों नहीं रिलीज़ कर रही है, उसका रीज़न यही है कि वो पीछे के जितने भी मेन रिज़ल्ट है उसके, जैसे सीजीएल सबसे मेन रिज़ल्ट होता है, फिर सीएचएसएल होता है, एमटीएस का भी रिज़ल्ट आया देखा आपने, इनको निपटाना चाह रही, बाकी जो सिलेक्शन पोस्ट वगैरह है उसमें वैकेंसी इतनी नहीं रहती, तो उसका इतना ज़्यादा मैटर आएगा भी नहीं आपका। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एसएससी के बहुत सारे रिजल्ट्स सिलेक्शन पोस्ट वगैरह भी है, हम उनको नहीं देखते, उसमें भी थोड़ा सा एसएससी का वर्कलोड रहता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं देखो एक्सपेक्टेड डेट की। जिस हिसाब से सीजीएल 18, सीएचएसएल 18, सीएचएसएल 19 देखने को मिला है, जब आप मुझसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कवर करवा रहे थे, जब मैंने कवर किया था ये वाला पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज, मैंने आपको बताया था कि यार अक्टूबर के एंड तक का पूरा चांसेस है आने का। देखो उम्मीद इस बार भी पूरी, आप मान के चलो कि दिवाली से पहले, 24 तारीख को दिवाली है आपकी, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखो वो जो वीक रहता है ना वो हॉलीडे का रहता है, छुट्टी का रहता है, 24 से लेकर के 31 तक के बीच में दिवाली और छठ का त्यौहार रहता है, और बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में या फिर उधर इधर के भी रहते हैं, तो लंबा छुट्टी लेकर के वो मूव करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि 24 से पहले इनको निपटाने की कोशिश करें, जितने भी डिपार्टमेंट में पेंडिंग काम है, एसएससी का छोड़ दीजिए, बाकी अदर भी ऑफिस की अगर हम बात करें, सभी लोग इसी जल्दीबाजी में, हमारे ऑफिस की भी बात करें चाहे किसी भी अदर ऑफिस की, तो सबके दिमाग में यही है कि दिवाली का वीक है उससे पहले हम लोग चीज़ों को निपटा दें। तो देखो यार पूरी कोशिश रहेगी एसएससी की भी कि सबसे पहले तो 10+2 का जो आपका रिज़ल्ट आना है, क्योंकि वो आपसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले टाइपिंग उसका हो गया था, 1 जुलाई को हो गया था, वो उसका राइटअप आ जाएगा, राइटअप कह रहा हूँ, हाँ उसका राइटअप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल ना आए फिर भी लेकिन रिज़ल्ट आ जाएगा, देन उसकी मेरे हिसाब से उसके नेक्स्ट वीक में या 3-4 दिन का गैप लेकर के एसएससी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकती है, तो ये आप लेके चल सकते हो। और बाकी यार देखो पूरी कोशिश आप तक जुड़े रहने के लिए, और अभी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए भी करूँगा, 2-3 वीडियो, रीज़न उसका ये है कि अभी बहुत सारे लोग डिप्रेस है कि कट ऑफ के पास में होगा नहीं होगा और फोकस नहीं बन पा रहा पढ़ाई को लेकर के, उस पर भी मैं बात करूँगा आपका। और देखो अभी सीजीएल का जो फॉर्म भरने की डेट है बढ़ाई है 12 तारीख तक, तो साइट पे लोड कम करने की वजह से, देखो एक होता है ना प्रोडक्शन वाली बात कि एसएससी 12 के बाद 13 तारीख को 14 तारीख को भी कर सकती है आपके जो भी वर्किंग डे हो, कोई ज़रूरी नहीं वर्किंग डे, सैटरडे संडे को भी रिजल्ट अब आ जाता है देखा हमने, तो यार आप बना के रखिए उम्मीद, और कम से कम इतने दिनों तक आप अपने
टाइम को इंगेज रखने के लिए ही कम से कम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, आपने क्या पोस्ट भरा है या कुछ है लिखिए आप, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। थोड़ा फ्री हुआ हूँ मैं, आप काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में और इनके चक्कर लगाना आसान नहीं होता, चीज़ें अचानक से आ जाती हैं तो कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, आप समझ पा रहे हो इस चीज़ों को। लेकिन बाकी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा यार, और कमेंट करते रहिएगा जैसे पहले करते आए थे, और पूरी कोशिश करूँगा कि पहले जैसे आप तक आपसे जुड़ा था वैसे भी आगे जुड़ा रहूँगा।